हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे वीकली वाइज करंट अफेयर डाला जाता है। बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके कवर किए जाते हैं। वीडियो को शुरुआत से लेकर पूरा देखा करो। करंट अफेयर्स अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स को बेहतर तैयार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। हाल ही में किसे कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके हैं सुरेश एन पटेल, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सुरेश अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो आपका है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये IAS हैं, रह चुके हैं, आप देख सकते हैं इनको फोटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस कंपनी ने यूपी और छत्तीसगढ़ में टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की है? किस कंपनी ने सोची शुरू की है, कोई कंपनी है जिसने शुरू किया है टीबी उन्मूलन, ठीक है। ऑप्शन आपके हैं टाटा समूह, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, आदित्य बिरला ग्रुप। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका इंडियन ऑयल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में पहली रेल मेट्रो का उद्घाटन किया है? जिस शेख हसीना ने पहली रेल मेट्रो का उद्घाटन किया है, शेख हसीना आप नाम सुनकर ही समझ गए होंगे कि किस देश की बात की जा रही है। तो ये जो प्रधानमंत्री हैं वो बांग्लादेश की हैं, शेख हसीना। तो आपके दो क्वेश्चन कवर होते हैं, एक तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है और दूसरा पहली रेल मेट्रो का उद्घाटन किसने किया और कहां हुआ है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्टे सेफ ऑनलाइन, ठीक है, स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान या सर्वानंद सोनोवाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो अश्विनी वैष्णव है, रेल मंत्री हैं जो इस समय। ये नितिन गडकरी आपके परिवहन मंत्री हैं, लिख लीजिए परिवहन मंत्री हैं ये। धर्मेंद्र प्रधान सभी जानते होंगे, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, ठीक है। सर्वानंद सोनोवाल असम के। 2021 में सड़क हादसों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? सड़क हादसों में अभी इस साल गिरावट देखी गई है, 5.1%, 6.1%, 8.1% या 9.1%। ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है, खुशखबरी है देश के लिए कि 8.1% की कमी आई है सड़क हादसों में। बहुत ही ज्यादा सड़क हादसे होते हैं भारत में, लेकिन इस बार कमी देखने को मिली है। हाल ही में भारत सरकार ने किन देशों के लिए वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है? लिथुआनिया और मालदीव, स्पेन और रूस, अंगोला और मालदीव, लिथुआनिया और मॉरिशस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है लिथुआना और मालदीव है। इन दोनों देशों को भारत ने दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में यूपी सरकार ने यूपी मेडिकल कॉलेज में किस अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? कौन सी सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? चार ऑप्शन आपके हैं, ई प्रयोग, ई सुशस्त्र और उड़ान, इनमें से कोई नहीं। नाम थोड़ा सा अटपटा ही है, सुशस्त्र, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर, जिसका नाम अटपटा वही आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किस देश के साथ लागू किया है? ऑप्शन आपके हैं फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस या अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता, मतलब भारत का कोई सामान वहां जाएगा या ऑस्ट्रेलिया से भारत कोई सामान आएगा तो उस पर जितना भी कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी उसको कम किया जाएगा या फिर एक तरीके से हटा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में मांगदेछु जल विद्युत परियोजना, कौन सी परियोजना मांगदेछु किस देश को सौंपी गई है? आपके ऑप्शन है नेपाल, भूटान, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो परियोजना है यह भूटान को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, आयुष्मान भारत के तहत कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। तो यह जो लक्ष्य है वो 1.5 लाख रखा गया था, कितना 1.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है? ऑप्शन आपके हैं मुंबई, नागपुर, कोलकाता या फिर अहमदाबाद। इसका जो राइट आंसर है वो नागपुर है, ठीक है। महाराष्ट्र में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया इस बार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा हेतु समिति बनाई है? तो किसकी अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है? आर के माथुर, नित्यानंद राय, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है नित्यानंद राय की अध्यक्षता में लद्दाख में संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा हेतु समिति बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में सरकार ने 2023 प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों हेतु कितने प्रवासी भारतीय चयनित किए हैं? ऑप्शन आपके हैं 25, 27, 29 या 30। तो इस बार जो है 27 लोग इसमें शामिल किए गए हैं, प्रवासी भारतीय में शामिल किए गए। ये पुरस्कार दिया जाता है हर साल है, आप जानते हैं 9 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस होता है, जिस दिन महात्मा गांधी भारत लौट के आए थे 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में IIT मद्रास ने इसके साथ रक्षा प्रौद्योगिकी विकास करने हेतु सहयोग किया है? देखिए यहाँ पे रक्षा प्रौद्योगिकी लिखा हुआ है, इससे आप समझ जाएंगे रक्षा की जितनी भी चीजें हैं वो DRDO बनाता है। तो IIT मद्रास ने किसके साथ सहयोग किया है? तो इसका जो राइट आंसर है DRDO। ठीक है, DRDO की स्थापना की अगर बात किया तो 1 जनवरी 1958 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। 1969 की अगर बात की जाए, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके डॉक्टर यश सोमनाथ अध्यक्ष हैं, इसरो के डॉक्टर यश सोमनाथ जी। ठीक है, और अगर DRDO की बात की जाए तो समीर कामत जो है इस समय वैज्ञानिक, समीर कामत ता बना लीजिए इसको, समीर कामत जी इसके अध्यक्ष प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में स्टील आर्य सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश है। भारत ने मतलब राजनाथ सिंह ने भी क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश में यह स्टील आर सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह भारत को मतलब अरुणाचल प्रदेश को नेपाल से जोड़ने वाला एकमात्र पुल, ठीक है, ये ऐसा पुल बनाया गया स्टील का भी हाल ही में, जिससे हम लोग नेपाल आना जाना हो सकेगा उससे, इस पुल के जरिए। हाल ही में किसने नया अभियान दिधिर सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? दिधिर सुरक्षा कवच लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या फिर अरविंद केजरीवाल? तो इसका जो राइट आंसर है ममता बनर्जी, आप सभी जानते हैं ममता दीदी जी को, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, ठीक है, बंगाल की CM, इन्होंने हाल ही में दिधिर सुरक्षा कवच लॉन्च किया है। हाल ही में किसे चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकन चुना है? तो बिहार नाम सुनते ही आपके में एक सिंगर संगीतज्ञ ध्यान आता होगा, बहुत ही अभी कम ही एज है, स्टार्टिंग से इन्होंने संगीत को जो मतलब एक ऊंचाई प्राप्त की इन्होंने, तो इनका जो राइट आंसर है वो मैथिली ठाकुर जी, मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन चुना गया है। ठीक है, बहुत अच्छा गाती हैं, अपनी ही लैंग्वेज में मैथिली लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, अभी जब बॉयकॉट चल रहा था उसका बॉलीवुड का, तो इन्होंने मना कर दिया था बॉलीवुड में गाना गाने से। हाल ही में DRDO ने कब अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है? सोचिए, DRDO ने अभी हमने अभी आपको बताया 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इन्होंने 1 जनवरी को ही थी, तो 1 जनवरी को ही 65वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है किसने? ऑप्शन आपके हैं अमित शाह, सुब्रमण्यम जयशंकर, PM मोदी और धर्मेंद्र प्रधान। इसका जो राइट आंसर है, उद्घाटन की अगर बात की जाए, कोई बड़ा उद्घाटन होता तो मोदी जी ही जाते हैं हर जगह, तो उद्घाटन में अनावरण हुआ, उद्घाटन हुआ कहीं भी अगर बड़ी चीज का हो रहा है तो आप मतलब नहीं भी पता है तो PM मोदी अगर आप समय दिख जाए तो टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन आपके हैं गरोल्ड अल्कमिन, लूला डा सिल्वा, ये आधा ला बनेगा आपका, ठीक है, जोसेरा जायर वेल्सोनारो। तो इसका जो राइट आंसर है लूला डा सिल्वा, नाम याद करना भी कठिन नहीं, लूला। ठीक है, यहाँ किसी का नाम बता दो तो मारपीट ही हो जाए। हाल ही में 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन आपके भरत सुब्रमण्यम, आदित्य मित्तल, कौस्तव चटर्जी या प्रणव आनंद। तो इसका जो राइट आंसर है कौस्तव चटर्जी, इन्होंने 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं ये, इनसे जो पहले थे 77 वाले वो आदित्य मित्तल। ठीक है, 77 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर थे वो आदित्य मित्तल थे। फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम, फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम भविष्य में फ्यूचर मतलब इंजीनियर तैयार करने हैं, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब इंटरनेशनल कंपनी है कि पहल है? ठीक है, कि भविष्य में
मैक्सिमम इंजीनियर तैयार किए जाएँ उन्हीं के द्वारा। तो ऑप्शन आपके हैं गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या वॉलमार्ट इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो अमेजॉन है। अमेजॉन ने फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम कंपनी की पहल की है, नहीं मतलब ऐसा प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, कंपनी तो अमेजॉन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही भारत ने हाल ही में किस देश के साथ कंप्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किस देश के साथ इसके लिए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आपके हैं रूस, जापान, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं इस एग्रीमेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान करने के लिए कराने के लिए मिशन 9 to 9 शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा राज्य में यह 9 to 9 मिशन शुरू किया गया है, अधिक से अधिक मतदान हो पाए, और धीरे धीरे हर राज्य में शुरू किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने, ठीक है, तो इसका अभी हाल ही में चुनाव दो जगह हुए आपके, एक तो गुजरात में हुए और हिमाचल में हुआ, ठीक है, हिमाचल में हुआ, तो इन्हीं दो में से किसी ना किसी स्टेट में भी ये लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर वो हिमाचल प्रदेश, गुजरात तो ऑप्शन में नहीं है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने यह योजना या कोष लॉन्च किया है। हाल ही में कौन सा राज्य विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण कराने वाला पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य, ठीक है, ऑप्शन आपके हैं कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई भी। इसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा है, टिक कर लीजिए, ध्यान रखिएगा सभी लोग। हाल ही में रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन क्या होता है, मतलब कोई भी अगर कोई कंपनी है या कुछ भी कोई संस्था है, ठीक है, अगर वो प्रदूषण कर रही है, ठीक है, जितना प्रदूषण कर रही है उतना मतलब उसको कवर कर ले रही है, उतना ही कवर कर ले रही है, प्रदूषण उसका जीरो हो जाता है तो उसको बोलते हैं शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। तो ये रेलवे ने अभी किस वर्ष तक हासिल करने की योजना बनाई है? 27, 28, 29, 30, तो 2030 तक रेलवे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन कर लेगा। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 जनवरी है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये ब्रेल जो व्यक्ति थे उन्हीं के नाम पे ये दिवस पड़ा। क्या हुआ था, इनका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें इनकी आंखें चली गई थी, और इन्होंने उसके बाद मतलब आपदा में नहीं, इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि क्या किया जाए, जो लोग अंधे होते हैं कितनी प्रॉब्लम होती है उनको पढ़ने लिखने में। तो उन्होंने ब्रेल लिपि का मतलब एक लॉन्च किया, ब्रेल लिपि, ठीक है, बनाई ब्रेल लिपि। आप देखते होंगे ट्रेन वगैरह में देखते होंगे तो एक जैसे सीट नहीं होती जहाँ बैठने वाली होती, कहीं भी होती तो उभरे हुए अक्षर होते हैं, तो वो ब्रेल लिपि होती है जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए यह लिपि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? मिताली राज, तो क्रिकेटर है, तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो रहा है, कैप्टन नीता वर्मा, कैप्टन मोनम अग्रवाल, कैप्टन शिवा चौहान। तो इसका जो राइट आंसर है वो कैप्टन शिवा चौहान है, ठीक है, कैप्टन शिवा चौहान को अभी हाल ही में सियाचिन में तैनात किया गया है, ये पहली महिला बनी है। कौन सी कंपनी 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमों में से सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी बनी है? सेल, ONGC, IOCL या फिर गेल। इसका जो राइट आंसर है ONGC, ठीक है, महारत्न कंपनी ONGC सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी बन गई है। जितनी महारत्न कंपनी है इनका टर्नओवर बहुत हाई होता है, लेकिन उनमें भी ONGC ने टॉप किया। हाल ही में किसने राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन आपके नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह। संविधान की बात आए तो राष्ट्रपति जी आ गए, ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान पार्क का उद्घाटन किया है। कहाँ किया, राजस्थान में किया है। हाल ही में कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन आपके हैं जापान, चीन, फ्रांस, जर्मनी। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में प्रसिद्ध रविंद्र संगीत प्रतिपादक सुमित्रा सेन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? रविंद्र संगीत प्रतिपादक सुमित्रा सेन का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है।
हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल परिवर्तन के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन आपके हैं यूको बैंक, HDFC बैंक, IDBI या फिर यूनियन बैंक। तो हाल ही में अभी HDFC बैंक ने डिजिटल परिवर्तन के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में केंद्र ने कब से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना केंद्र सरकार ने कब से शुरू की है? ऑप्शन आपके हैं 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पहली तारीख से ही शुरू किया गया, न्यू ईयर जैसे हुआ तुरंत यह योजना लॉन्च की गई, कौन सी नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में शशि थरूर की कौन सी नवीनतम पुस्तक लॉन्च की गई है? शो बिजनेस, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, बुकलेस इन कौन भाग डैड, ठीक है, अंबेडकर ए लाइफ। तो इसका जो राइट आंसर है अंबेडकर ए लाइफ, इन्होंने अभी पुस्तक लॉन्च की है शशि थरूर जी ने। हाल ही में कहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिनाव नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो चिनाव नदी सुन के आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में राजनाथ सिंह ने बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन आपके हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश में यह योजना शुरू की गई है। हाल ही में आयुर्वेद पेशावरों के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन आपके हैं डिजिटल, स्मार्ट, सम्मान। तो स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है, स्मार्ट। हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है? अमित शाह ने किस राज्य में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है? ऑप्शन आपके हैं हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब या फिर गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला अभी हाल ही में रखी गई है। हाल ही में विश्व कप पारिवारिक दिवस कब मनाया गया? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर क्या है, 1 जनवरी। किस देश ने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल प्रिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? पोखरा रीजनल इंटरनेशनल प्रिया एयरपोर्ट, इसे पोखरा, आर से रीजनल, आई से इंटरनेशनल, ए से एयरपोर्ट, ठीक है, उसका उद्घाटन किया गया है? भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर वो नेपाल है, नेपाल में इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं विकास मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है हाल ही में। किस संस्था ने स्टॉक एक्सचेंज से इन्वेस्ट रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म स्थापित करने का आग्रह किया है? ऑप्शन आपके हैं सेबी, NSE, BSE या NSE। तो इसका जो राइट आंसर है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी पूछ दी जाती है पेपर में कभी कभार है, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन से देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है UK, डेनमार्क, स्वीडन या क्रोएशिया। तो इसका जो राइट आंसर है क्रोएशिया ने हाल ही में यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजर IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है गुजरात। ये मोबाइल यूनिट का मतलब क्या होता है? मोबाइल यूनिट जो मतलब जिस चीज़ को हम लोग एक स्थान से दूसरी जगह ले जा सकें, ठीक है, एक स्थान से दूसरी जगह ले जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल यूनिट, ठीक है। हाल ही में किस देश ने एक वर्ष हेतु वाशेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण की है? किस देश ने एक वर्ष के लिए मात्र? ऑप्शन आपके हैं बांग्लादेश, जापान, फ्रांस या भारत। तो भारत ने अभी वाशेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। हाल ही में किस सुरक्षा बल ने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लई कला मनाया है, कलाम मनाया है, ठीक है, श्रीनगर में? BSF, ITBP, SSB या CRPF। तो हाल ही में CRPF ने छात्रों के साथ जश्न चिल्लई कलाम मनाया है उत्सव, ठीक है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने शहर सरकार को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को, जो भी HIV से ग्रसित व्यक्ति हैं, उनको मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? तो अभी यह किसने किया है?
चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने या फिर मुंबई हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। तो अभी या दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया, उसने कहा एचआईवी पॉजिटिव जितने भी व्यक्ति हैं उनको चिकित्सा उपचार के लिए और भोजन मतलब फ्री दिया जाए, ठीक है, मुफ्त भोजन करने की सुविधा प्रदान की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस पीवीडी किस शहर में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन आके नई दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, इंदौर। तो इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है इंदौर में आयोजित किया जा रहा है, या इसमें 27 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त होती है, उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो को शेयर भी कर दिया करो आप लोग, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, इसलिए शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।